डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम पार्ट सेकंड में जो एबीएसटी का पेपर चलता है, एबीएसटी के यहाँ बीकॉम पार्ट सेकंड में दो पेपर्स हैं, एबीएसटी फर्स्ट एंड सेकंड, और एबीएसटी फर्स्ट का पेपर होता है इनकम टैक्स, जो आप लोगों को मैं पढ़ाऊँगा। ये सत्र एक बड़ी अलग स्थितियों में, या यूँ कहें कि विपरीत परिस्थितियों में स्टार्ट हो रहा है, इसलिए आप लोगों को क्लास की बजाय यहाँ एक तरह से मुझे रियल टीचिंग की बजाय वर्चुअल टीचिंग पर आना पड़ रहा है। एबीएसटी फर्स्ट का जो इनकम टैक्स का पेपर है वो आप लोगों को पता है कि वैसे ये 100 नंबर का होता है, जो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में आपको जानकारी हो गई होगी। फर्स्ट पेपर भी 100 नंबर का होता है, सेकंड पेपर भी 100 नंबर का होता है, और वैसे कुल मिला के सारे पेपर ही आप लोगों के 100 नंबर के हैं। 100 में से आप लोगों को स्कोर करना होता है। पेपर को करने से पहले आप लोगों को दो बातों का पता होना चाहिए कि एक तो हमारे सिलेबस में इसमें क्या क्या है, और दूसरा ये कि पेपर का पैटर्न क्या है। पेपर के पैटर्न की बात रही तो पैटर्न आता है आजकल मिक्स पैटर्न है। कुछ सालों पहले ऐसे टाइप क्वेश्चन ही आते थे, और हर एक क्वेश्चन 20 नंबर का होता था, बच्चों को कोई भी 5 प्रश्न करने होते थे, लगभग 10 प्रश्न आते थे और 10 में से उनको 5 करने होते थे। बाद के वर्षों में महसूस किया गया कि ये पैटर्न कोई ज़्यादा बढ़िया नहीं है, और बच्चों को बुक का एक थोरो नॉलेज नहीं दे पाता है। तो इसलिए इसके संबंध में फिर विचार ये किया गया कि इसको थोड़ा सा के पेपर को इस तरह से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाए कि बच्चा पूरी किताब में से अध्ययन करे। तो अब मुख्य रूप से 3 तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोगों के पेपर में, और पहले टाइप के हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, और शॉर्ट टाइप का मतलब है एक या दो पंक्ति में या 20 शब्दों में उनका उत्तर देना होता है। ऐसे प्रश्नों की संख्या होती है 10 क्वेश्चन आते हैं, और हर एक क्वेश्चन होता है 2 नंबर का, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो 10 प्रश्न हो गए और हर एक के 2 नंबर होते हैं, 10 × 2 = 20। तो ये जो एक तरह से पार्ट फर्स्ट हुआ पेपर का, उसकी कुल मार्किंग हुई 20, 10 × 2 = 20 नंबर का पेपर ये हो गया। फिर उसके बाद में इससे थोड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, और वहाँ प्रत्येक क्वेश्चन का नंबर होता है 8 नंबर के होते हैं, और आप लोगों को उसमें 5 क्वेश्चन करने होते हैं। इस भाग में 5 से ज़्यादा प्रश्न भी हो सकते हैं, 7-8 प्रश्न भी होते हैं, लेकिन आप लोगों को करने केवल 5 हैं। तो 8 नंबर का क्वेश्चन 5 करने हैं आपको, 8 × 5 तो = हो गए 40, 40 नंबर ये हो गए, 20 नंबर पहले आ चुके आपके, 40 और 20 हो गए 60। पेपर होता है 100 नंबर का, अब 40 नंबर और बच गए। अब तीसरे पार्ट में बड़े प्रश्न आते हैं, ऐसे टाइप जिनको कह सकते हैं, निबंधात्मक कह सकते हैं, जिनको डिटेल में आप लोगों को लिखना होता है, वो आते हैं, और वो क्वेश्चन आप लोगों को 2 करने होते हैं, और हर एक क्वेश्चन 20 नंबर का होता है। 20 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें अपन तो 40 हो गए, 40 नंबर ये हो गए। इस भाग में प्रश्नों की संख्या 2 से ज़्यादा होती है। सामान्यतः हर एक प्रश्न में एक चॉइस होती है, आइदर ये और ये, या तो ये कर लें या ये कर लें। आपको 2 प्रश्न करने हैं, दोनों में एक एक चॉइस होती है,
तो इसका मतलब है एक प्रश्न आप करेंगे तो वहाँ आपको करने के लिए दो दे रखें, दो में से एक करना है। इसी तरह से फिर दूसरा प्रश्न है वो करना है, वहाँ भी दो में से आपको एक करना होता है। कुल मिला के सेक्शन सी में आपने दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आप लोगों को, जो प्रत्येक 20 नंबर का है, इस तरह से 40 नंबर हो गए। कुल मिला के फिर पेपर का ये भाग 100 नंबर का हो जाता है, 20 + 40 + 60, जो सेकंड पार्ट था वो 60 का है। तो इस तरह से ये 100 नंबर हो जाते हैं, 100 में से आप लोगों को स्कोर करना होता है। मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा परीक्षा के संबंध में जब अपन पेपर की बात कर रहे हैं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहला काम तो ये होता है कि पेपर मिलते ही आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ लें, और अगर सारा नहीं पढ़ते हैं आप तो जिस प्रश्न का आप लोगों को उत्तर देना होता है उसको तो आप अच्छी तरह से पढ़ लें कि वास्तव में वो क्या पूछ रहा है। आपको लिखना वही है जो पूछ रहा है, ऐसा नहीं है कि वो कुछ ही पूछ रहा है और आप कुछ ही लिख रहे हैं और फिर उसके बाद में आप लोग पेपर दे के जब बाहर आते हैं तो कहते हैं मेरा बहुत बढ़िया हो गया। बढ़िया तो हो गया लेकिन उसने क्या पूछा था, आपको ध्यान ही रखना है कि उसने जो पूछा था आपको जवाब उसका देना है और बेहतरीन तरीके से देना है। ये आप लोगों की एक व्यूहरचना होनी चाहिए कि पेपर पढ़ने के बाद में ये तय कर लें, पेपर अच्छी तरह से पढ़ लिया फिर ये तय कर लें कि कौन कौन से प्रश्न हमें अच्छे से आते हैं। पेपर के तीन पार्ट कर रखे हैं, हर एक पार्ट के आपको आंसर एक साथ देने हैं, ऐसा नहीं है कि अलग अलग, पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड है एंड पार्ट थर्ड है। अगर मान लो पार्ट फर्स्ट कर रहे हैं आप और फिर लगता है कि कुछ प्रश्नों के उत्तर अभी नहीं आ रहे हैं तो उसके लिए ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप थोड़ा सा उनके लिए थोड़ी जगह छोड़ दें या एक दो पन्ना छोड़ दें और फिर उसके बाद में अगला सेक्शन स्टार्ट करें, और अगला सेक्शन करने के बाद में वो जब कंप्लीट हो जाए और कुछ आपको कोई पन्ना छोड़ना पड़ जाए तो वो छोड़ने के बाद में फिर तीसरा करेंगे। सेक्शन को मिक्सअप नहीं करेंगे, आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक बार तो एक प्रश्न सेक्शन ए का कर दिया, फिर बी का कर दिया, फिर सी का कर दिया। तो इस तरह से अगर आप करते हो तो आप लोग घाटे में रहोगे और आप लोगों के अंक काट लिए जाते हैं। तो मैंने आपको 100 नंबर का सारा विभाजन बताया और पेपर के बारे में बता दिया कि किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे आप लोग। तो पेपर पढ़ने के बाद में आपको टाइम मिलना है 3 घंटा, 3 आवर्स का पेपर होता है। आप ये ध्यान रखेंगे कि पेपर जो कर रहे हैं उसमें हर एक के लिए आपको टाइम कितना डिवोट करना है, और टाइम आपको इतना ही डिवोट करना है, टाइम इतना ही देना है जितना वो क्वेश्चन आपको मार्क्स पे करेगा। जो कम नंबर दे रहा है, जो प्रश्न कम नंबर का है उसको कम टाइम देंगे, अधिक नंबर का है उसको अधिक टाइम देंगे। और आप लोग अपनी एक प्लानिंग और स्ट्रेटजी बना लेंगे कि ए पार्ट है वो 20 नंबर का है, इसको अपने को इतना टाइम देना है क्योंकि कुल 3 घंटे हैं, विभाजन आपको ही करना है। तो पहले पार्ट में अपने को इतना टाइम देना है लगभग, दूसरे में इतना देना है, तीसरे में इतना देना है। और ये ध्यान रखें, एक ये भी स्ट्रेटजी के अंतर्गत ही आता है कि आपको अगर कोई प्रश्न आता है तो मैं ये कहता हूँ 2-4 मिनट ज़्यादा लग जाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो प्रश्न आपको आता है वो गलत किसी भी आधार पर होना ही नहीं चाहिए, जो आपको आता है वो एक्यूरेटली आप बहुत पेशेंस से उसको ठीक तरह से करेंगे। अगर प्रश्न आपको आता है फिर भी नहीं कर पाते हैं तो बाद में आपको इस बात का धोखा होता है कि प्रश्न मेरे को आ रहा था फिर भी मैं नहीं कर पाया। इसलिए जो प्रश्न आप लोगों को ढंग से आता है वो आपको बेहतरीन तरीके से करने की ज़रूरत होती है। कुछ प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जो आपको बिल्कुल नहीं आते हैं या आपने उनको कभी नहीं पढ़ाए, तो उनके बारे में तय कर लें कि लास्ट में जो स्पेस आप लोगों ने छोड़ रखा है, अगर आपको कोई चीज़ें याद आती हैं तो उनको लास्ट में करें। पहले वो प्रश्न करने हैं जो आप लोगों को खूब अच्छे से आते हैं। तो ये पेपर के बारे में बातें हो गई। उसके बाद में अब दूसरी बात अपन करते हैं, इनकम टैक्स की बुक के बारे में बात करेंगे और चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर इसमें हैं और किस तरह से आप लोगों को करने हैं। जहाँ तक बुक की बात है, बुक इनकम टैक्स की हर साल इनकम टैक्स के रूल्स में चूँकि हर साल चेंजेज होते रहते हैं, इसलिए आप लोग जहाँ तक संभव हो
और मैं तो ये कहूँगा जहाँ तक संभव हो नहीं कि आप पुस्तक तो नई ही लें, ऐसा कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है, अपन बहुत सारे और भी खर्चे करते रहते हैं, तो पुस्तक आप इनकम टैक्स की एकदम नई पुस्तक ले लें जो मार्केट में थोड़ी सी लेट आती है, अभी हाल फिलहाल मार्केट में नहीं है, लेकिन जब भी पुस्तक आए आप नई पुस्तक ले लें, क्योंकि पुरानी पुस्तक इनकम टैक्स के रूल्स हैं वो हर साल चेंज होते रहते हैं, तो पुरानी किताब में पुराने नियम होते हैं और वो नियम बदल चुके होते हैं, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर अपन करते हैं और थोड़ा बहुत भी रूल में कोई चेंज है तो पूरा का पूरा प्रश्न प्रभावित हो जाता है, इसलिए अपने को नई किताब के अनुसार और आप लोगों के जो नए नियम लागू हैं उसके अनुसार प्रश्न को अपने को हल करना है और उसी के आधार पर अपने को अध्ययन करना है। दूसरी बात, अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर कौन से राइटर की बुक लें, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि सामान्य रूप से ये जो चौधरी प्रकाशन वाली बुक है इसको बच्चे पढ़ते रहते हैं, इसको आप ले सकते हैं। रमेश बुक डिपो की भी पुस्तक आती है, वो वाली आप ले सकते हैं। मुख्य रूप से दो तरह की किताबें हैं, एक रमेश बुक डिपो जयपुर से प्रकाशित होती है और एक चौधरी प्रकाशन जयपुर से प्रकाशित होती है। ले दे के कोई विशेष अंतर नहीं है, किताब दोनों की दोनों हैं, वो सिलेबस के ऊपर आधारित हैं, तो आप लोगों को कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि ये किताब लें या वो किताब लें, किताब दोनों ही आपके लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार होती हैं, तो किसी भी किताब को ले लो आप, किताब लेने में कोई दिक्कत की बात नहीं है, बात ये आती है कि उसको अच्छे से पढ़ने की बात है, तो किताब को आप बहुत अच्छी तरह से अगर उसका अध्ययन करेंगे तो चाहे किसी भी किताब में से क्वेश्चन आ जाओ आपको हल करने में किसी तरह की कोई परेशानी होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये कॉन्फिडेंस आप डेवलप करो कि हमें प्रश्न चाहे कहीं से ही मिल जाए, अगर आपको नियम आते हैं, अगर आपको थ्योरी आती है, अगर आपको रूल्स आते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को किसी तरह की कोई समस्या हो सकती है, बिल्कुल ही नहीं हो सकती, चाहे किसी किताब से आप पढ़ लें। लेकिन ये बात ज़रूर है कि आप जिस किताब को भी पढ़ें उसको उसका जैसे एक चैप्टर पढ़ रहे हैं वो पूरा चैप्टर एक तो फिर एक किताब में से ही पढ़ें, ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा एक में पढ़ लिया फिर थोड़ा सा दूसरी में पढ़ लिया, दोनों किताबों को आधार आप बना सकते हैं, लेकिन पहले एक किताब का एक चैप्टर पढ़ लें, फिर चाहें तो वही चैप्टर दूसरी किताब से भी पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास में टाइम है और आप ये चाहते हैं कि मैं तो बहुत अच्छे नंबर लेके आऊँगा, अगर इस तरह का मूड है तो आप दो किताबें भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये तो बात हो गई एक तो कि पेपर किस तरह से आता है और बुक आपको कौन सी लेनी है, जो अक्सर बच्चों की प्रॉब्लम होती है और वो पूछते रहते हैं कि बुक कौन सी लें, कोई सी ले लो, पढ़ना आपको ही है, अगर ढंग से पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। किसी भी पुस्तक में से ये कोई गारंटी नहीं है कि परीक्षा में सेम क्वेश्चन आ जाए, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो अगर अपने को नियम और थ्योरी ढंग से आती है तो अपने को कोई समस्या नहीं होती, अपने को कोई भी 2+3 करा लो या 3+2 करा लो, दोनों इक्वल टू 5 होते हैं, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, चाहे पहले 2 को कर दो चाहे पहले 3 को कर दो, कुल मिला के जोड़ तो 5 आना ही आना है। तो यही बात इनकम टैक्स के संबंध में लागू होती है, चाहे कोई सी किताब पढ़ लो, नियम दोनों के एक हैं, अगर आप लोगों ने नियम और थ्योरी ढंग से पढ़ ली है तो मैं नहीं मानता कि प्रश्न करने में आप लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत आएगी, कोई समस्या आने का कोई सवाल ही नहीं है। किताब लेने के बाद में अब उसके बाद में अपन पुस्तक के ऊपर आते हैं कि पुस्तक में आपके इनकम टैक्स, चूंकि आप लोगों के लिए एकदम नया पेपर है इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स के संबंध में कुछ बातें अपन आज क्लियर कर लें। इनकम टैक्स को जानने से पहले अपन ये देख लें कि टैक्स के बारे में कि कर होते कितने प्रकार के हैं, टैक्स होते कितने प्रकार के हैं। टैक्स वैसे दो तरह के अपन उनका विभाजन कर सकते हैं, एक टैक्स होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। उससे पहले आप लोग कर ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने टैक्स के बारे में सुना ही नहीं हो। टैक्स एक तरह से वो एक राशि है, वो एक शुल्क है
जो सरकार व्यक्तियों पर, संस्थाओं पर, कंपनियों पर किसी आधार के ऊपर या इनकम के ऊपर लगाती है, जब वो इनकम के ऊपर वो टैक्स लगता है, हालांकि वो टैक्स क्या एक तरह से चार्ज है, वो एक तरह से चार्ज है कोई भी, और वो जब वो चार्ज जब इनकम के ऊपर लगता है तो उसका नाम हो जाता है इनकम टैक्स। और वो ही अगर मान लो कोई धन के ऊपर लगे तो उसको कह देते हैं धन कर, वेल्थ टैक्स। तो कर की बात है, मुख्य रूप से कर है, वो लगता किस पर है, जिस पर लगता है वो इनाम हो जाता है। अगर आय पर लगता है तो वो आयकर हो गया। अब आय कर को अपन देखते हैं, आयकर हो सकता है जो आय पर लगता है वो आयकर है। और ये दो तरह के कर हो सकते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष कर और एक होता है अप्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। प्रत्यक्ष कर, जैसे आप लोगों ने स्कूल में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पढ़े हैं, एक डायरेक्ट होता है एक इनडायरेक्ट होता है, ये ग्रामर में आप लोगों ने पढ़ा होगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, उसी वो नाम यहाँ भी लिया गया है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स ये उसको कहते हैं जिसके ऊपर लगाया जाता है, उसी को भरना होता है, वो किसी दूसरे पर उसको शिफ्ट नहीं कर सकता, दूसरे पर उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता, वो होता है डायरेक्ट टैक्स। प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर आप लोग वो आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत आने का सवाल ही नहीं है। प्रत्यक्ष कर वो कर है जो जिस पर लगाया जाता है वो ही भरेगा, वो किसी दूसरे से वसूल नहीं कर सकता, इसको कहते हैं अपन डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स ये हो गया, और फिर उसके बाद में होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स वो है जो किसी जिस पर भी लगाया जाता है वो बाद में उसको दूसरे के ऊपर उसको ट्रांसफर कर देता है या शिफ्ट कर देता है। एक बार तो वो भरता है लेकिन वो कहीं दूसरी जगह से वसूल कर लेता है। जैसे आजकल आप लोग जानते हो कि GST लगी हुई है, GST, तो GST जो लगी हुई है वो दुकानदार के ऊपर GST लगती है, लेकिन वो ग्राहक से उसको वसूल कर लेता है। GST वो ग्राहक से वसूल कर लेता है, यानी टैक्स जिसके ऊपर लगाया गया, दुकानदार के ऊपर लगाया गया, उसने एक बार ही अपने पास से भरा है, बाकी वो उसको वसूल कर लेता है, वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है, मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से समझा दिया, इनका इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो जिसके ऊपर लगाया जाता है वो बाद में किसी और से वो वसूल कर लेता है। इसलिए विस्तृत अर्थ में, ब्रॉड सेंस में, टैक्स दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेरे ख्याल से आप लोगों के अच्छे से समझ में आ गया। डायरेक्ट टैक्स वो है जो जिस पर लगाया जा रहा है उसी को उसको पे करना है, और इनडायरेक्ट टैक्स वो है जिसके ऊपर लगाया जा रहा है वो पे तो कर रहा है लेकिन साथ साथ में वो किसी और से वसूल कर लेता है, उसको कहते हैं अपन इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये दो तरह के टैक्स जानने के बाद में, फिर उसके बाद में अपन देखते हैं कि इंडिया में अपने यहाँ आयकर की शुरुआत आयकर अधिनियम 1961 के द्वारा हुई थी। आयकर अधिनियम 1961 में शुरू हुआ और उसके बाद में लगातार से ये जारी है। अब उसके बाद में आगे थोड़ा सा इसको समझने के लिए अपने को कुछ इसके आयकर के बारे में देखना पड़ेगा कि आयकर का दायित्व क्या है और ये कब लगाया जाता है और किस वर्ष में लगाया जाता है। आयकर हमेशा कर निर्धारण वर्ष में लगाया जाता है, लेकिन कर निर्धारण वर्ष से थोड़ा पहले आपके पढ़ने में आ गया कर निर्धारण वर्ष, और कर निर्धारण वर्ष को कहते हैं अपन इंग्लिश में इसको कहेंगे असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर, असल में ये जो ईयर हैं वो दो होते हैं, एक तो होता है असेसमेंट ईयर जिसको अपन कहते हैं कर निर्धारण वर्ष, और एक होता है गत वर्ष जिसको कहते हैं प्रीवियस ईयर। वर्ष को भी समझना पड़ेगा, वैसे अब तक आप लोग समझते रहे कि एक वर्ष होता है और वर्ष का मतलब जो जनवरी से शुरू होता है दिसंबर में ख़त्म हो जाता है, आज तक तो आप लोग ये समझते रहे हैं वर्ष।
लेकिन वर्ष कई तरह के हो सकते हैं, जैसे आपका शैक्षणिक भी वर्ष होता है, शैक्षणिक वर्ष, जैसे इस साल आप लोग पढ़ रहे हो, तो अब जो आप लोगों के सेकंड ईयर में एडमिशन हो रहे हैं और ये वर्ष जाके ख़त्म होगा 21 में, जो 20 में शुरू हुआ 21 में जाके ख़त्म हो रहा है, तो ये शैक्षणिक वर्ष है आपका, एकेडमिक ईयर है आपका 20-21। तो मैं कह रहा था वर्ष कई तरह के हो सकते हैं, वर्ष केवल जनवरी टू दिसंबर वाले ही नहीं है, और कौन से हो सकते हैं करके हिसाब से इन्होंने ये कह दिया आपको कि एक हो सकता है कर निर्धारण वर्ष, जिसको अपन ने कहा असेसमेंट ईयर। और असेसमेंट ईयर का मतलब ये है कि जिस साल कर का असेस किया जाए, असेस, AESS, असेस, असेस मानी होता है निर्धारण करना या तय करना कि किस व्यक्ति पर कितना कर बनता है, ये निर्धारण करना, ये निर्धारण जिस साल में अपन करते हैं उसको कहते हैं कर निर्धारण वर्ष, कर निर्धारण वर्ष, उसका नाम इंग्लिश में है असेसमेंट ईयर। इनकम टैक्स के हिसाब से दो तरह के ईयर होते हैं, एक असेसमेंट ईयर होता है कर निर्धारण वर्ष, और एक होता है प्रीवियस ईयर, प्रीवियस यानी पिछला साल। तो दो तरह के साल हो गए इनकम टैक्स के हिसाब से, इनकम टैक्स के हिसाब से दो तरह के साल हो गए, दो तरह के वर्ष हो गए, असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। ये दोनों की अपने को जानकारी होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर वो होता है जिसमें कोई भी करदाता, और करदाता का मतलब जो कर दे रहा है, करदाता कर को देने वाला, जिस वर्ष में करदाता आय कमाता है, आय कमानी जरूरी है, आय कमाएगा तभी तो कर देगा वो, जो जिस वर्ष में वो आय कमाता है वो कहलाता है गत वर्ष, जिस वर्ष में आय कमाता है वो। जैसे अभी कोई व्यक्ति 2020 में आय कमा रहा है तो वो उसका गत वर्ष है। एग्जैक्ट गत वर्ष क्या है ये अपन कुछ देर में बात करेंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि गत वर्ष का मतलब ये है कि जिस